तो हेलो दोस्तों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाशिवी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएससी ने कल ही नया कैलेंडर जारी किया उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। पर आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा ही, पर फिर भी मैं आपको इसमें डिटेल देना चाहती हूँ जिससे कि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट ना पाए। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको जो यहाँ पे पहले बताऊँगी जो भी एग्ज़ाम अभी होना बाकी है उनके बारे में। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में कि जो जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसकी ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट है, ऑनलाइन फॉर्म कब से एंड है, और साथ ही कब एग्ज़ाम होने वाला है, जिससे कि आपके पूरा क्लियर हो जाए, जिससे कि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आप यहाँ पर जो भी मैं आपको बताऊँगी आप उसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और साथ ही मैं इसका ऑफिशियल एसएससी कैलेंडर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली कैलेंडर को पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, जिससे कि आपको समझने में, आपको देखने में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंबाइंड सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, जो कि 2019 का है। उसका टीयर वन का एग्जामिनेशन, जो कि बस जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का जो एग्ज़ाम होगा, वो 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक वाले एग्जामिनेशन 2019 का है, पेपर फर्स्ट सीबीटी एग्ज़ाम, वो 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच होने वाला है। साथ में जो थर्ड नंबर है वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 का जो एग्जामिनेशन टीयर सेकेंड का, वो 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक के बीच होने वाला है। उसके बाद नंबर फोर्थ है एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 का 2020 का जो एग्जामिनेशन सीबीटी 1, वो 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के बीच होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि 5th नंबर का स्टेनोग्राफर ग्रेड CND एग्जामिनेशन 2019 का सीबीटी एग्जामिनेशन, वो 16 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच होने वाला है 2020 में ही। पर पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन एग्जामिनेशन 2020 का पेपर फर्स्ट सीबीटी एग्जामिनेशन जो होने वाला है उनका एक ही दिन होने वाला, जो कि 19 नवंबर 2020 को होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2019 का टीयर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वो सिर्फ एक दिन होगा, जो कि होगा 22 नवंबर 2020 को होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020 का जो एग्जामिनेशन है पेपर 1 सीबीटी एग्ज़ाम होगा, वो 23 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2020 को होने वाला है। इसी साल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसका सबको बहुत ज़्यादा वेट है 2020 का, वो 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि 10th नंबर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जो कि उनका पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वो 31 जनवरी 2021 को होगा नेक्स्ट ईयर। उसके बाद नंबर 11 है जो कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 का टीयर सेकेंड डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो होगा वो 14 फरवरी 2021 को होने वाला है नेक्स्ट ईयर। 12 नंबर पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2020 का जो पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वो भी होगा 14 फरवरी 2021 में। और 18th एंड लास्ट सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020 का जो पेपर सेकंड सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, 12 जुलाई 2021 में नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो अब हमने जान लिया कि किस किस का एग्ज़ाम होना बाकी है और किस डेट को होने वाला है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे कौन कौन सी नई वैकेंसी अनाउंस हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर्स की, जो कि 2020 का एग्ज़ाम होना था। तो उनके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसके एग्ज़ाम डेट होगी वो 22 मार्च से लेकर 25 मार्च 2021 में होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ, जो कि हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड CD एग्जामिनेशन 2020। तो इसके जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे वो 10 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक होने वाले हैं, और साथ ही जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 29 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 में होने वाले हैं।
तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट वैकेंसी का जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, जो कि SSC CHSL एग्जामिनेशन 2020 का। जो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 6 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच चलने वाले हैं, और साथ ही जो इसका एग्जाम होगा 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2021 में होने वाला है। और साथ में जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो SSC CGL की, जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो उसके जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे 21 दिसंबर से 25 जनवरी तक, और साथ ही जो इसके एग्जाम होने वाले हैं 29 मई से लेकर 7 जून तक। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, जो है SSC MTS की वैकेंसी 2020 वाली। तो उसका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा वो 2 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक, और साथ ही जो इसके एग्जाम होने वाले हैं वो 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक होने वाले हैं उसके एग्जाम, जो कि नेक्स्ट ईयर में होने वाले। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट वैकेंसी जो है कांस्टेबल GD in CF। तो उसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की स्टार्ट डेट है जो कि है 25 मार्च से लेकर 10 मई तक, जो कि लास्ट डेट है, और साथ ही जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 2 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक होने वाला है। तो ये तो बातों के जो कल SSC का ऑफिशियल कैलेंडर अपडेट हुआ था उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन। तो साथ ही आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे वैकेंसी के लिए बेस्ट बुक, स्टडी मटेरियल, साथ में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और सारे टॉप स्कोरिंग टॉपिक टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक चल जाएगी, और साथ में आप इस बार 100% एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, वो भी हाईएस्ट मार्क्स के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताइएगा जरूर, और सारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सारे दोस्तों अगर अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।